आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी सा स्नैक्स जिसका नाम है ब्रेड रोल, जो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, गेस्ट को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पार्टी स्नैक्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं या पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, बॉयल पोटैटो, धनिया पत्ती, रोस्टेड मूंगफली, नमक, पंचफोरन, हल्दी का पाउडर, मिर्ची पाउडर, हरी मिर्च, अनियन और लहसुन पीसा हुआ। छोटे छोटे टुकड़ों में आलू को तोड़ कर रख लेंगे। और मूंगफली को दरदरा कूट लेंगे। मूंगफली को हमने दरदरा कूट लिया। हम 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल में पंचफोरन देंगे, फिर हरी मिर्च, प्याज डालेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे और उसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज लहसुन भुना चुका है, अब उसमें मसाला डालेंगे और साथ में थोड़ा गरम मसाला भी देंगे। भुन चुका है, अब आलू मैश किया हुआ डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। आलू में अब नमक डालेंगे। नमक डालकर अच्छे से मिलाएंगे। नमक डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट भून लिया है, अब इसमें मूंगफली और धनिया पत्ता रख के मिला देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। स्टफ करने से पहले चारों तरफ के कोर को काट लेंगे। ब्रेड को दोनों साइड से हल्का हल्का डीप करेंगे और उसके पानी को निचोड़ लेंगे। फिर स्टफिंग को लेकर इसमें रोल कर देंगे। स्टफिंग भर दिए, अब इस शेप में ला देंगे। एक और करके दिखा रही हूँ। दोनों साइड हल्का हल्का पानी लगाना है, उसे निचोड़ना है, फिर स्टफिंग को भरना है और उसके बाद इसे रोल कर देना है। गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ब्रेड को पैन में डालेंगे। मैं यहाँ सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे चारों तरफ से गोल्डन करना है। देखिए चारों तरफ से गोल्डन हो चुका है, अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। किसी को भी स्नैक्स में दीजिए, टेस्टी बहुत लगेगा।